हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी पावर के स्टॉक के बारे में। अडानी पावर में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा एक तेज़ी की शुरुआत हुई, लेकिन फिर अब आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड सर्किट फिल्टर भी दोस्तों यहाँ पर चेंज हो चुका है, जो पहले 10% था 5% ही आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। ASM की लिस्ट 4 में आपको अडानी पावर आता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, यहाँ पे अडानी पावर के अंदर लोअर सर्किट क्यों लगता हुआ देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में। एंड अगर आप लोअर सर्किट लगाए तो स्टॉक के अंदर गिरने के कहाँ तक के चांस हैं, सब कुछ फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में पता चलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, Q2 रिजल्ट्स की डेट आ चुकी है एंड डेट काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, अडानी पावर में आपको देखने को मिला यहाँ पे फ्राइडे के सेशन के अंदर भारी गिरावट बनी, 117 रुपये वापस आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, 5% का फिर से दोस्तों सर्किट फिल्टर यहाँ पे रहता हुआ देखने को मिला एंड वापस आपको देखने को मिलेगा। तो अब डिलीवरी मार्क नहीं होती है इस काउंटर के अंदर। लास्ट 5 डेज में फ्रेंड्स डेफिनेटली अडानी पावर के अंदर आपको एक गिरावट देखने को मिली, काफ़ी होप्स जगी थी बिकॉज स्टॉक के अंदर दोस्तों जो तेज़ी थी वो काफ़ी बढ़िया थी। बट वापस से फ्रेंड्स आपको स्टॉक के अंदर गिरावट बनती हुई देखने को मिली, 135 रुपये तक गया स्टॉक एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। तो एक लगातार स्टॉक के अंदर आपको गिरावट बनती हुई देखने को मिल रही है एंड वहाँ से स्टॉक आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे जो गिरावट आपको रहती हुई देखने को मिलेगी वो बहुत ज़्यादा रहती हुई देखने को मिल रही है। लास्ट 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो अडानी पावर का स्टॉक डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया चला है। एंड आपको इस बार देखने को मिलेगा अडानी पावर घूमा कहाँ से, घूमा वहाँ से जहाँ से दोस्तों एक जोन बन रहा था कि 150 रुपीज़ के लेवल को ही आसानी से टच कर देता। बट वापस से फ्रेंड्स थोड़ी बहुत खबरें ख़राब निकल के आई। अब खबरें ख़राब किस बारे में निकल के, सबसे पहले फ्रेंड्स इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स पावर स्टॉक्स के ऊपर जो एक बहुत बढ़िया तेज़ी बन रही थी, अब वापस से पावर स्टॉक्स के अंदर एक मेनली प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अडानी पावर ऐसा नहीं है कि दोस्तों तेज़ी नहीं दिखाया, 1 महीने में 21% का अभी भी आपको रिटर्न दे रहा है, तो मतलब तेज़ी दिखा चुका है अडानी पावर। एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा तो एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई। अकेला अडानी पावर दोस्तों ऐसा नहीं है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, टाटा पावर आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पे देखने को मिलेगा, BHEL में गिरावट है। तो मेनली जो भी पावर सेक्टर की कंपनीज़ है, पावर जनरेशन की कंपनीज़ है, उनके अंदर फ्रेंड्स एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल रही है, जिसका अडानी पावर भी शिकार होता हुआ देखने को मिला। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सर्किट फिल्टर में बदलाव। देखिए ASM की 4th लिस्ट में आपको आता हुआ देखने को मिलता है अडानी पावर। एस अगर मैं बात करूँ BSE के जो वेबसाइट है वहाँ पे साफ साफ ASM की लिस्ट 4 में आपको ये स्टॉक देखने को मिलता है एंड लगातार आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ASM की लिस्ट से बाहर निकलने की अटकलें चल रही थी, बट फिर से वो 4th लिस्ट में आपको जब रहता हुआ देखने को मिलेगा तो थोड़े बहुत चांसेस आपको देखने को मिलेंगे बाहर निकलने के। बट अभी जो गिरावट बनी है मेनली वो ASM की लिस्ट के कारण, तो मुझे नहीं लगता कि गिरावट बनी है। मेनली जो गिरावट बनी है वो सेक्टर का जो मूव आया था, जो एक डाउनसाइड मूव आया था सेक्टर के अंदर, उसके कारण दोस्तों यहाँ पे गिरावट बनती हुई देखने को मिली है एंड इसके कारण ही स्टॉक के अंदर एक मेनली प्रॉफिट बुकिंग का शिकार आपको होता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स आगे बात करेंगे इसके टारगेट्स के ऊपर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के Q2 रिजल्ट्स के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। Q2 रिजल्ट्स फ्रेंड्स कंपनी के निकलने वाले हैं, अब कब निकलेंगे चलिए आप ये जान लीजिए। सो फ्रेंड्स 21st ऑफ अक्टूबर को अडानी पावर की तरफ से ये न्यूज़ निकाल दी गई थी एंड आज जो न्यूज़ निकल के आई है इसका मतलब यही है कि कंपनी की तरफ से साफ साफ डेट जारी कर दी गई है इनके Q2 रिजल्ट्स के रिलेटेड। सो फ्रेंड्स जो डेट निकल के आई है वो निकल के आई है फ्रेंड्स 29th ऑफ अक्टूबर। सो द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे 29th ऑफ अक्टूबर 2021 टू कंसीडर एंड अप्रूव इंटर आलिया द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021। सो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो कंपनी है करीबन 29th ऑफ अक्टूबर यानी अगले हफ्ते ही आपको देखने को मिलेगा अडानी पावर के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी क्रूशल रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट्स, बिकॉज जिस तरह से आपको देखने को मिलेगा कंपनी ने Q1 के नतीजे पेश किए थे वहाँ पे एक साफ साफ रिकवरी देखने को मिली प्लस कंपनी बढ़िया करती हुई देखने को मिली। एंड इस बार अगर फ्रेंड्स नंबर्स काफ़ी बढ़िया निकल के आते तो मान के चलिए यहाँ पे तेज़ी बन सकती है, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होगा ना कि यहाँ पे रिजल्ट्स मेनली इफेक्ट करेंगे स्टॉक को, या तो यहाँ पे एक बढ़िया तेज़ी बन जाएगी रिजल्ट्स के कारण या फिर फ्रेंड्स गिरावट भी बन सकती है। बट फ्रेंड्स इस बार रिजल्ट्स में आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा कोविड का इफेक्ट भी आ सकता है, बिकॉज बीच में कोविड था, बट मुझे लगता है कि मेनली उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज
कह सकते हैं कि जून से चीज़ें नॉर्मलाइज आपको होती हुई थोड़ी थोड़ी देखने को मिली थी, एंड सितंबर मंथ काफ़ी बढ़िया निकला था एज प्रोडक्टिविटी। सो डेफिनेटली देखने को पावर कंपनीज वगैरह कैसा करती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अडानी पावर के नंबर्स काफ़ी क्रूशल रहने वाले स्टॉक के मूव के लिए। आगे स्टॉक का मूव डेफिनेटली फ्रेंड्स याद रखिएगा, कंपनी के Q2 के नतीजे ही बताएंगे। Q2 के नतीजे बढ़िया निकल के आएंगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ पे बढ़िया करेगा, बट अगर बढ़िया निकल के नहीं आते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स दिक्कत भी यहाँ पे आपको होती हुई देखने को मिल सकती है। अगर लास्ट टाइम फ्रेंड्स बात करूँ मैं Q2 रिजल्ट्स की, सो फ्रेंड्स लास्ट टाइम के Q2 रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आया था। कंपनी के रेवेन्यू में करीबन 31% का इजाफा था, नेट इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट मार्जिन में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी आ गई थी, करीबन 28.75% पे रहा था, ऑपरेटिंग इनकम में 450% की देखिए बढ़त आपको देखने को मिली। तो ये सब कुछ जो होता हुआ देखने को मिला यहाँ पे वो डेफिनेटली फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। तो इस बार डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस देखना होगा किस तरह से निकल के आती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स किस तरह से कंपनी पेश करती है। कम अडानी पावर का डेफिनेटली फ्रेंड्स ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात कहीं भी लगती नहीं है, क्योंकि नंबर्स तो मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको बढ़िया आते हुए देखने को मिलेंगे। बट ओवरऑल जो सिचुएशन है फ्रेंड्स, वो सिचुएशन ये है कि यहाँ से अडानी पावर क्या करता है, बिकॉज जो तेज़ी है वो फ्रेंड्स आपको वापस से कम होती भी देखने को मिली, और बाज़ार के सेलिंग प्रेशर के कारण जो तेज़ी एक बढ़िया हुई थी वो सारी एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब बाज़ार के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बाज़ार अभी आपको थोड़ा सा डाउनसाइड मूव दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है, बट मेनली मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डाउनसाइड मूव चलेगा, बिकॉज मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो मेनली प्रॉफिट बुकिंग है वो अभी आपको आती हुई देखने को मिल रही है। बट आने वाले दिनों में हमको देखना होगा और किस तरह से यहाँ पे कामकाज करता हुआ देखने को मिलता है अडानी पावर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे टारगेट्स के ऊपर, अडानी पावर किस तरह से काम कर सकता है। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, लास्ट 6 मंथ्स के अंदर हमने ग्रेट रिकवरी कह सकता हूं कि अडानी पावर के स्टॉक के अंदर देखी, बट अब इतना चलने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको सहन करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे आपको देखने को मिलेगा तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने तेजी दिखाई है। अब लोअर सर्किट लग रहा है तो इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, लोअर सर्किट लग रहा है तो डेफिनेटली यहां पे जो चांसेस रहेंगे स्टॉक के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग के, याद रखिएगा गैप डाउन ओपनिंग आपको होती हुई देखने को मिल सकती है, बट अगर यहां पे सस्टेन नहीं करती है गैप डाउन और मार्केट थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव रहता है एंड पावर स्टॉक्स के अंदर जो गिरावट थी वो थोड़ी बहुत भी वापस से आती है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ से स्टॉक में बढ़िया तेजी बनती हुई देखने को मिलेगी। मेनली स्टॉक का सपोर्ट है करीबन 110 रुपये का, 110 रुपये के बिलो नहीं जाना चाहिए। अब देखिए गैप डाउन ओपनिंग होगी तो मुश्किल से 6 से 5 रुपये की यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होगी तो 110 रुपये का सपोर्ट तब भी मेंटेन रहेगा, बट अगर यहाँ से वापस से स्टॉक बाउंस बैक करता है 1111 1112 के लेवल से तो डेफिनेटली फ्रेंड्स 120 रुपीज़ का लेवल भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। मेरी सलाह उन लोगों को यही है जिनके पास भी देखिए शेयर है या फिर बाय करना चाह रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, बिकॉज इस बार कंपनी अपने रिजल्ट्स के अंदर क्या कहती है वो किसी को भी नहीं पता है, एंड कंपनी की कमेंट्री क्या निकल के आती है वो किसी को भी नहीं पता है, बिकॉज Q1 में भी देखिए कंपनी की तरफ से एक झटका दिया गया था जो बात करी गई थी डीलिस्टिंग के बारे में, डीलिस्टिंग कुछ हुआ नहीं बट कंपनी की तरफ से कहा जरूर गया था, तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन था जिसके कारण दोस्तों आपको देखने को मिलेगा बढ़िया रिजल्ट्स के बावजूद स्टॉक में कोई तेज़ी नहीं बनी थी ज़्यादा। बट अब अगर कंपनी यहाँ पे डीलिस्ट के बारे में कुछ भी कहती है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स मूड माहौल मोमेंटम सब खराब होता हुआ देखने को मिलेगा, तो थोड़ा बहुत वॉचफुल रहिए, नई एंट्री रिजल्ट से पहले मत लीजिए। जिनके पास भी शेयर है डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज यहाँ से बढ़िया कर सकता है स्टॉक, तो बने रहिए। मंडे का टारगेट करीबन 120 रुपये से लगकर 122 रुपये तक का होगा, एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको करीबन 115 रुपये का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।